हेलो फ्रेंड, स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज हम डिस्कशन करेंगे पार्टनरशिप के बारे में। प्रीवियस हमने दो वीडियो में हमने डिस्कशन किया था सोल प्रोप्राइटरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को। तो आज जो थर्ड है हमारा वो है पार्टनरशिप। तो आइए समझते हैं पार्टनरशिप क्या है। दोनों प्रीवियस वीडियो की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए बात करते हैं पार्टनरशिप के बारे में। देखिए पार्टनरशिप का क्या मतलब है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप है वो एक रिलेशन है किसके दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का, हु हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। जो एग्री हो जाते हैं मतलब कि सहमत हो जाते हैं लाभ को बांटने के लिए, कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कहने का मतलब है यहां से कि पार्टनर से वो एग्री हो जाते हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए और कैरीड बाय ऑल, मतलब कि या तो सभी के द्वारा काम किया जाएगा और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या कोई एक व्यक्ति काम करेगा सभी के बदले बिहाफ पर। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है हमारा पार्टनरशिप। और ये जो डेफिनेशन दे रखी है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत दे रखी है। ठीक है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 यही कहता है कि पार्टनरशिप है वो दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का रिलेशन है जिसमें पार्टनर्स एग्री हो जाते हैं शेयर प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने के लिए, और ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि काम कौन करेगा, काम कौन नहीं करेगा, कौन कैपिटल लगाएगा, कौन कैपिटल नहीं लगाएगा। तो ये क्या कहलाती है, हमारी पार्टनरशिप कहलाती है। आइए हम डिस्कशन करते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। तो पहला है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब है निर्माण। तो द पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जिसका फॉर्मेशन होता है जो कि गवर्न किया, इसको जो गवर्न किया जाता है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत किया जाता है 1932 के तहत, जिसमें पार्टनरशिप डीड का होना जरूरी होता है। तो इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, इसमें लीगल एग्रीमेंट्स, जो लीगल जो प्रोसीजर होता है उसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पार्टनरशिप है 1932 एक्ट के तहत, इसमें लीगल प्रोसीजर जरूरी होता है। लायबिलिटीज, दूसरी बात करें हम लायबिलिटीज की, तो हम अपनी प्रीवियस दो वीडियो में भी डिस्कशन बार बार करते आ रहे हैं लायबिलिटीज का क्या मतलब है। तो यहां पर जो पार्टनर्स की लायबिलिटीज होती है, तो यहां पर आप समझिए एक फर्म में पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड होती है। ऑल ऑफ द पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स की लायबिलिटीज है वो अनलिमिटेड होती है, जिसमें पार्टनर्स इंडिविजुअली लायबल होता है फर्म की डेब्ट को पेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो लायबिलिटीज होती है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। रिस्क बियरिंग का मतलब, कहने का मतलब है यदि फर्म को इनकेस प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, तो उसको हर एक पार्टनर बियर करेगा, मतलब हर एक पार्टनर बांटेगा जो भी रेशियो उनके पार्टनरशिप डीड में डिसाइड किए गए होंगे उसके आधार पर। ठीक है, तो रिस्क बियरिंग है, लॉस हो जाता है तो एक अकेले को सफर नहीं करना पड़ता, सभी लोग सफर करते हैं। सेम एज प्रॉफिट के साथ होता है, प्रॉफिट होगा तो एक अकेला व्यक्ति नहीं लेगा, उसको भी सब लोग बांटेंगे, तो रिस्क बियरिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंटिन्यूटी। एक पार्टनर के चले जाने पर ऐसा नहीं है कि फर्म बंद हो जाएगा, क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पर्सन नहीं है, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा पर्सन है, तो उसमें कंटिन्यूटी पाई जाती है। मतलब एक पर्सन के जाने पर, एक पार्टनर्स के जाने पर रिमेनिंग जो पार्टनर्स हैं वो भी बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो एक पार्टनर के रिटायरमेंट पर कह सकते हैं, डेथ पर कह सकते हैं, बट बिजनेस नेवर बी स्टॉप। इसलिए बोलते हैं इसका प्रिंसिपल है बिजनेस का परपेचुअल सक्सेशन। इसमें परपेचुअल सक्सेशन है क्योंकि बिजनेस नेवर बी स्टॉप। ठीक है, बिजनेस है वो स्टॉप नहीं होता है, वो चलता रहता है, तो कंटिन्यूटी पाया जाता है। नंबर ऑफ पर्सन, तो नंबर ऑफ पर्सन का कहने का मतलब है एक पार्टनरशिप में कम से कम मिनिमम तो दो होने चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन मिनिमम टू होने चाहिए, और मैक्सिमम की यदि हम बात करें तो वो डिसाइड करता है सेक्शन 464। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रिसब्सक्राइब होता है, जिसमें अभी तक कंपनी एक्ट यदि हम देखे जाए 2013-2014 वाला, तो उसमें 50 पार्टनर्स इसमें मैक्सिमम बताया गया है, एक फर्म में 50 मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, देन आता है हमारा
म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप का कहने का मतलब है एवरी पार्टनर इज द ओनर एज वेल एज एजेंट ऑफ द बिजनेस। हर एक पार्टनर ओनर है और एजेंट है अपने बिजनेस का, ठीक है ना। हर एक के पास एक अपना लीगल राइट्स होता है कि वो डिसीजन टेक करे, डिसीजन मेकिंग करे, सभी प्रकार के उसके होते हैं। जैसे एक मेन, कोई भी एक पार्टनर जो मान लो मेन है, जिसकी लायबिलिटी जितनी बनती है उतना दूसरे का भी बनेगा, जो डिसीजन वो ले रहा है वो भी बोलेगा, जितना वो बाइंड अप है बिजनेस के साथ उतना दूसरा भी होगा। मतलब इन सब के बीच में एक म्यूचुअल एजेंसी होती है, एक समान कह सकते हैं रिलेशन है वो एक समान होता है, ठीक है ना। पार्टनरशिप कैरीड कैन बी कह सकते हैं ना कि पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एक्टिंग वन ऑफ देम, बताया था बिहाफ ऑफ अदर, व्यक्ति एक भी काम कर सकता है और उसके बिहाफ पर कोई दूसरा व्यक्ति भी काम कर सकता है, या तो सभी करेंगे या कोई एक काम कर सकता है, तो ये म्यूचुअल एजेंसी पार्टनरशिप कहलाता है। आइए हम डिस्कशन करते हैं इसके मेरिट्स एडवांटेजेस के बारे में। तो देखिए एडवांटेजेस क्या है इसके, इजी टू फॉर्म। इजी टू फॉर्म का कहने का मतलब है इट इज वेरी इजी टू फॉर्मेशन एज नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट। ज्यादा इसमें लीगल प्रोसीजर्स नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे अब चार व्यक्ति मिले, चार व्यक्तियों ने कोई फर्म खोला तो उसका नाम क्या आ गया, पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप में रखा है क्योंकि सब पार्टनर्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। एवरी रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप इज नॉट कंपलसरी, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज मिल जाता है कि हर एक पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं होता है। यदि रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बट आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी एक फॉर्म को रन आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इजी टू फॉर्मेशन है। नेक्स्ट है लार्ज फाइनेंस रिसोर्स। लार्ज फाइनेंस रिसोर्स का कहने का मतलब है जब नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, जब नंबर ऑफ पार्टनर बढ़ गए तो सीधी बात है कैपिटल भी बढ़ेगा। अब मान लो 20 व्यक्ति हैं, हर एक व्यक्ति लाख लाख रुपए लगाएगा तो 20 लाख हो गया। अब मान लो सिंगल पर्सन होता तो लाख रुपए लगाएगा, और लाख रुपए का बिजनेस आपको पता है कितना बड़ा होता है, ठीक है। तो 20 व्यक्ति मिलकर के जो पैसा अमाउंट कलेक्ट करेंगे वो काफी ज्यादा हो जाएगा और लार्ज फाइनेंस रिसोर्स का एक अपना सोर्स बन जाता है, ठीक है ना। और मैंने बताया ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पड़ जाता था कि इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में, ठीक है। तो यहाँ पर ये एडवांटेज है कि लार्ज फाइनेंस रिसोर्सेज है, इसमें कैपिटल गुड्स है और जो रिसोर्सेज है, रॉ मटेरियल्स है, उसको अच्छे अमाउंट में और काफी ज्यादा मात्रा में कह सकते हैं ऑलरेडी परचेज किया जा सकता है, ठीक है। और रिस्क शेयरिंग, ये एडवांटेज है, ये सबसे बड़ा लाभ पड़ता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या हो रहा था कि कोई भी लॉस हो रहा था उसको एक अकेला व्यक्ति ही सफर करेगा, बट यहां पर ऐसा नहीं है, रिस्क को शेयर भी किया जा सकता है, क्योंकि यदि जब प्रॉफिट हो रहा है तो उसको सब बांट रहे हैं पार्टनर्स, तो लॉस को भी बांटेंगे। 10 या 15 यदि मान लो हमको हुआ, कह सकते हैं 10 लाख का मान लो लॉस हो गया, अकेला व्यक्ति होता तो 10 लाख अकेले भरने पड़ते, पर्सन क्या पता उसकी पर्सन असर चली जाती। अब यहां पर 20 लोग हैं, अब 20 लोग हैं, 10 लाख का घाटा हो गया, 50,000 भी देंगे तो भी फुलफिलमेंट हो जाएगा। तो ये जो रिस्क है वो बर्डन है रिस्क का, वो क्या कहते हैं कम हो जाता है, लॉस का जो बर्डन है वो कम हो जाता है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। सीक्रेसी की बात करें हम, तो द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश इन अकाउंट, इसमें सीक्रेसी होता है। सीक्रेसी मतलब कि जो डॉक्यूमेंट होता है, जो अकाउंट होता है बिजनेस फर्म का, ये रिक्वायर्ड नहीं होता पब्लिक के सामने उसको शो करना, तो इसमें सीक्रेसी पाई जाती है। द अफेयर्स ऑफ द पार्टनरशिप रिमेन सीक्रेट, जो पार्टनर्स के बीच के जो भी अफेयर्स हैं, कह सकते हैं फाइनेंशियली डिसीजंस हैं, फाइनेंशियली कह सकते हैं तो टर्नओवर है हमारा, जो रिसोर्सेज हम ले रहे हैं कहाँ से ले, तो ये सब वहाँ पे सीक्रेट होते हैं, ये जरूरी नहीं होता कि पब्लिक के सामने इसको शो किया जाए। कंपनी में होता है क्योंकि जब प्रोस्पेक्टस जारी करते हैं तब उसमें शो कराना जरूरी होता है, ठीक है ना। देन बैलेंस डिसीजन मेकिंग, बैलेंस डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब है, इन पार्टनरशिप द पार्टनर कैन डिवाइडेड द अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स नॉलेज एंड एबिलिटी। बैलेंस डिसीजन मेकिंग का मतलब है जो पार्टनरशिप में वर्क है वो अकॉर्डिंगली कह सकते हैं हायरार्की के द्वारा डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स नॉलेज एंड लायबिलिटी एंड स्पेशलाइजेशन। जिस व्यक्ति को जिस काम में कौशल प्राप्त है, स्किल है, एबिलिटी है, नॉलेज है, बस वो उसी हिसाब से बिजनेस को मैनेज करता है और एफिशिएंट तरीके से चलाता है। तो बैलेंस इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में ये बैलेंस
होता है। तो पार्टनरशिप की ये कुछ खासियत थी सबसे बड़ी। आइए अब कोई चीज की खासियत है तो उसके कुछ जो जिस चीज की खूबियां है उसकी कुछ डिमेरिट्स भी होंगे, डिसवांटेज भी होंगे, तो डिसवांटेज डिस्कशन करते हैं। तो पहला आता है हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटीज। जो पार्टनर्स की लायबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड होती है, मतलब जो बिजनेस के डेब्ट को पेमेंट करने के लिए उनके पर्सनल असेट्स को भी यूज किया जा सकता है। तो ये एडवांटेज पड़ डिसवांटेज पड़ जाता है एक पार्टनरशिप में, क्योंकि मान लो जितने का प्रॉफिट नहीं हुआ उससे डबल टेबल का यदि लॉस हो गया तो उसके पर्सनल असेट्स भी चले जाएंगे। तो ये डिसवांटेज पड़ जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटीज। नेक्स्ट आता है हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज का कहने का मतलब है देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स हैज कंट्रीब्यूटेड इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट नॉट सफिशियंट इन लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस होता है पार्टनर्स के बीच में, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट नॉट सफिशियंट, जितना वो पैसा लगाते हैं वो इतना सफिशियंट नहीं होता है एक फर्म के लिए रॉ मेटेरियल्स को परचेस करना, कैपिटल गुड्स को परचेस करना, ये सब सफिशियंट नहीं हो पाता है। ठीक है, ये लिमिटेड रिसोर्सेज इसलिए पाया जाता है और बिजनेस को बढ़ाने के लिए हर एक बिजनेस ये सब क्या कहते हैं प्रॉब्लम है इसको फेस करता है, तो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है बात विवाद। बात विवाद मतलब अब इतने सारे पार्टनर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरिया से आते हैं, डाइवर्सिफिकेशन पाया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है, लोगों की अपनी अलग अलग सोच होती है, अलग अलग करने का स्किल होता है। तो देखिए अब हर एक व्यक्ति जिस पे जैसे तरीके से आता होगा वो वैसा करेगा, लेकिन दूसरे को पसंद नहीं आता है क्योंकि अभी नंबर ऑफ पर्सन से वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक दूसरे में मतभेद बना ही रहता है या फिर बन जाता है, तो ये डिसवांटेज पाया जाता है। लेक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। लेक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस का कहने का मतलब है द एडजस्टिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म गेट अफेक्टेड बाय द डेथ इंसॉल्वेंसी इनकैपेसिटी ऑफ वन एनी पार्टनर्स इवन। अब देखिए क्या है लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, लेक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, सॉरी लेक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस का मतलब है पब्लिक हैज लेस फेथ, ठीक है, इन पार्टनरशिप बिकॉज अकाउंट एनुअली रिपोर्ट। देखो अब लेक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस का क्या कहने का मतलब है, पब्लिक कॉन्फिडेंस का मतलब है लोगों की जो विश्वसनीयता है, फेथफुलनेस है, वो कम होता है इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें एनुअल रिपोर्ट को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है किसके समक्ष, पब्लिक के समक्ष। अब पब्लिक जब तक एनुअल रिपोर्ट को देखेगी नहीं तब तक उसको पता कैसे चलेगा कि फर्म प्रॉफिट सफर कर रही है, लॉस सफर कर रही है, कितने से बैड डेट। अब मान लो किसी कंपनी ने बैड डेट लेकर के वो चला रही है, लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस पर, पता चला वो लोन नहीं चुका पाई और बिजनेस बंद, तो इससे पब्लिक कॉन्फिडेंस वो गिरता है क्योंकि उस पर पब्लिक को एनुअल रिपोर्ट शो नहीं किया जाता है। तो ये कुछ डिसवांटेज थे। तो ये था हमारा पार्टनरशिप जिसके में हमने डिस्कशन किया फीचर्स और एडवांटेज और डिसवांटेजेस। थैंक यू।